इंदौर नगर के एरोरम क्षेत्र में छोटा बामगढ़ा के समीप विद्या पैलेस कॉलोनी के रहवासी बगीचे में बारिश का पानी जमा हो गया, जो बीमारी का सबब बन रहा है। पार्षद को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आक्रोशित रहवासियों ने पार्षद भगवान सिंह चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध स्वरूप पार्षद का श्राद्ध किया। रहवासियों ने बताया कि वे 2 साल से बगीचा बनाने का आश्वासन दे रहे हैं, आज तक बगीचे का निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण यहां गंदा पानी भर गया और हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। रहवासी डी के नागेंद्र ने बताया कि आक्रोशित रहवासियों ने पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका श्राद्ध किया। रहवासियों ने चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए कहा कि एक किसी भी नेता को क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। 15 वर्ष से यहाँ पर रह रहे हैं सर, और अब है तो ये कॉलोनी इसमें 4 सालों से नगर निगम में आ चुकी है, उसके बाद में भी अभी तक है तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उद्धार नहीं किया गया है। रोड और इसकी समस्या आपके खेल के मैदान की, खेल मैदान 2 साल पहले सेंक्शन हो चुका है बनाने के लिए करके, लेकिन 2 साल से आज बना रहे हैं, कल बना रहे हैं, आज बना रहे हैं करके तो छोड़ दिया गया है। यहाँ पर पूरा जल भराव पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं अंदर, बहुत बड़ा एक गड्ढा है। यहाँ सांप बिच्छू घर में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, हम लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, फिर भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हमने पार्षद से पहले कईयों बार हमने बुलाया, कईयों बार बात करी इस संबंध में, उन्होंने बस एक ही चीज़ बोला कि बस मैं अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। 2 साल से हम लोगों का तो बस एक ही बात बोल करके चले जाते हैं और वापस उस पर चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे आप? सर बिल्कुल, हम तो देंगे ही नहीं सर वोट, यहाँ पर हम किसी को नहीं घुसने देंगे, चाहे वो कांग्रेस ही हो चाहे बीजेपी हो, हम नोटा का उपयोग करेंगे यदि हमारे साथ में इस प्रकार का बर्ताव किया गया। इंदौर से अभिजीत सिंह चौहान के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।